थोड़ा उस साइड पे ले लो, साइड पे हाँ थोड़ा दूर दूर घुमाओ घोड़ा आपकी साइड, बस इधर आओ आप इधर, बस यहीं ले जाओ। नमस्ते भाई। नमस्ते। सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं सामने से, एक बार अपना नाम बताए उनको। मेरा शुभ नाम सोनू निर्मल है जी, और मेरा नर्मदा स्टड फार्म के नाम से स्टड फार्म है, किलेदारू में लोकेटेड, डिस्ट्रिक्ट बीड है। अच्छा, तो ये कितने घोड़े लेके आए हो अभी सारंगखेड़ा में? एक ही घोड़ा लाया हूँ, और ये फर्जन का बेटा है, इसका ग्रैंड सायर रॉय है। आप फर्जन जो है युवराज जडेजा के पास है, इसका उसका ये फर्स्ट रिजल्ट है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, फर्स्ट रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है। और इसका क्या नाम रखा? फर्जन। इसका अर्जुन नाम है। अर्जुन? यस अर्जुन। अर्जुन की और क्या खासियत है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? अर्जुन की आप ये खासियत बता सकते हैं, पूरा बाप पे गया है। अच्छा। एटीट्यूड भी वैसा ही है, बाप के जैसा, फर्जन के जैसा। अच्छा। ये आप भी 25 महीने का हो गया है, और हाइट करीबन 62 इंच गई है आप भी। 62 इंच मिल्क टी थी आप भी? मिल्क टी थी। अभी कौन से ये प्रतियोगिता होने वाली? रिसेंटली पुणे जो शो हुआ था PCMC में, उधर 4th नंबर पे आया था ये। अच्छा। यस। और अभी यहाँ कौन से शो में उतारोगे आप इसको? अभी मिल्क टी कैटेगरी में जाएगा। कब है वो? ओ, कल है रिंग। कल है? यस। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपके पास कितने घोड़े हैं? मेरे पास 6 जानवर है टोटल, उसमें 4 मादी है और 3 दो नर है जी। वो फॉर सेल के लिए है? नहीं, नॉट फॉर सेल। और कुछ हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहोगे? ये आप भी मेरे फर्स्ट रिजल्ट है मेरे फार्म का, और मेरी ओन ब्रीडिंग है ये। अच्छा। हाँ, मेरे फार्म पे इसकी माँ रानी बोल के डैम है इसकी। अच्छा। जो मेरे फार्म पे आप भी खड़ी है। यस। एंड ये मेरी होम ब्रीडिंग है, और ये फर्स्ट रिजल्ट है। अच्छा। और जो कि मैंने खुद ने ब्रीड किया है, होम पे तैयार किया मतलब? यस यस, बचपन से तैयार किया। अच्छा, बहुत मेहनत होगी इनमें? बहुत 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 मेहनत ली, करीबन 1.5-2 साल इतनी मेहनत गई इस पे। पहले 6 महीने तो इतनी मेहनत गई, बिकॉज हिज मदर वॉज वेरी सीरियस एक्चुअली। डिलीवरी के टाइम हो, डिलीवरी होने के बाद इसकी मदर सीरियस थी, इसको माँ का दूध नहीं मिला एक्चुअली में। अच्छा अच्छा। हाँ, इसको बकरी का और गाय का दूध पिला पिला के इतना बड़ा किया। अच्छा, मतलब पूरी मेहनत में कोई कमी नहीं है यहाँ तक? मेहनत में कोई कमी नहीं, दाने में कोई कमी नहीं, डाइट अच्छा जाता है इसको, 3-4 टाइम डाइट जाता है, 2 टाइम दूध मिल्क जाता है, सुबह 3 लीटर जाता है, शाम में 3 लीटर जाता है। तभी जाके इतनी मेहनत के बाद इतना बहुत अच्छा आपने तैयार किया है, और आपकी मेहनत रंग लाई है। और आशा करते हैं कि ये विनर आए। और सर अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7636828282। जी, आपके पास घोड़ा कौन सा है? अभी आप बता रहे थे होम ब्रीड के लिए, तो ब्रीडिंग के लिए है आपके पास? मेरे पास 2 स्टैलियन है ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। नोबेल बोल के और एक नियॉन बोल के, वो भी विनर रहे पुणे में रिसेंटली, मैं उनको शो में नहीं लाया। अच्छा। लेकिन वो भी ब्रीडिंग के लिए मेरे पास अवेलेबल है। मतलब जो है वो आपके पास एक से बढ़ के एक नंगीने है, मतलब हर शो में मतलब बाजी मारे हुए घोड़े ही है आपके पास। तो मेटिंग फीस क्या रखी है सर उनकी? 31,000 है। 31,000, बहुत ही वाजिब जो मेटिंग फीस है वो रखी है। किसान से लेके मतलब मीडियम साइज के जो लोग हैं, वो सोच के ही मैंने उनकी मेटिंग फीस 31,000 रखी है, क्योंकि हर आदमी पे नहीं कर सकता 51,000 या 1 लाख रुपीज। इंसान के लिए भी इजी गिर सकता है, और रिजल्ट भी अच्छे है उसके। एक दो रिजल्ट है मेरे पास मेरे गाँव में जी, रिजल्ट भी अच्छे है उसके। तो हमारा कोई व्यूअर्स अगर आपको देख के ये आपके घोड़े से कोई मेटिंग कराना चाहे, कोई मतलब मीडियम साइज का, तो उसको छूट है सर? यस, देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, आप हमारे सब्सक्राइब्स हो और इनके आसपास या इनके कहीं भी नज़दीकी हो, तो आप मेटिंग पीस करवा सकते हो अपनी घोड़ियों की। तो पीस में जो है वो रियायत ज़रूर देंगे ये। और एक बार सर थोड़ा दौड़ा के दिखा दीजिए, उधर से घुमा के लेके आइए। जी सर, उधर से घुमा लाइए थोड़ा।
देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा जो घोड़ा है वो है सर। एक बार अब ले आइए एक बार और भैया, एक बार और घुमा लाइए उधर से उधर से। देख रहे हो दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार जो घोड़ा है वो। भैया आप पीछे हटना जरा, रंगा बिल्ला है। हाँ ये ऊपर गजे ऊपर 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 गर्दन ऊपर ही मुँह इधर कीजिए भैया। देख रहे हो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जो घोड़ा है वो अपन को देखने को मिल रहा है, और आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपके जो भी सवाल है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और देखिए बहुत ही अच्छे और शानदार जो घोड़े हैं वो, ऐसे ही घोड़े देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी हम सारंगखेड़ा मेले में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आपको दिखाने वाले हैं।